टू न्यूर ऑफ एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट और अब हम बनेंगे एंड्रॉइड के चैंपियन सो so, हाय गाइस मैं नीटोर्स के एक और नए और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। हूँ so, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने एपसीएम के बारे में एकदम बिल्कुल डिटेल्ड जानकारी ले ली थी अपन ने नोटिफिकेशन के टाइप भी सीख लिए थे और सब कुछ जो जो अपने को जानने की जरूरत थी वो सारा कुछ अपन ने जान लिया था सो so, आज की इस वीडियो से अपन एक्चुअली में नोटिफिकेशन को सेंड करना सीखने वाले हैं तो so, फटाफट से अपन अब आगे मूव करते हैं और अपने ब्राउजर के ऊपर आते हैं और फायरबेस कंसोल के ऊपर आते हैं और नोटिफिकेशन को सेंड करना स्टार्ट करते हैं सो so, मैं यहाँ पे गो टू कंसोल के ऊपर जाऊँगा और जो मेरा प्रोजेक्ट है एप नोटिफिकेशन इसको मैं ओपन कर लूँगा सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा इंगेज के अंदर जाऊँगा और इंगेज के अंदर मेरे को मिलेगा मैसेजिंग तो मैं मैसेजिंग को ओपन करूँगा सो थोड़ा सा मेरे को वेट करना और अब मैं यहाँ पे क्रिएट माई फर्स्ट पे क्लिक कर दूंगा ठीक है अब यहाँ पे आपके पास दो टाइप आ रहे हैं एक है हाँ आपका नोटिफिकेशन लाइक नोटिफिकेशन मैसेजिंग और एक है हाँ आपके पास फायरबिस इन ऐप मैसेजिंग तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है ये नोटिफिकेशन आपको कब रिसीव होगा जब आपकी ऐप आप चालू हो मतलब आपकी ऐप आप ओपन हो तब ठीक है ये पहले नहीं आता था पहले सिर्फ आपके पास यही आता था ना तो ये वाले कौन से होते हैं अगर आपकी ऐप नहीं भी चालू तो भी आपको रिसीव हो जाए तो अपन इसी के साथ स्टार्ट करेंगे तो इसको सेलेक्ट करके अपन क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे राइट right, सो so अब अपने सामने आ चुका है और अब यहाँ से अपन नोटिफिकेशन को सेंड करने वाले हैं सो so, नोटिफिकेशन का जैसे मालूम मैं टाइटल दे, दे लेता हूँ टेस्ट वन और यहाँ से आपको टाइटल डालना है यहाँ पे आपको उसके बाद उस टेक्स्ट डालना है क्या टैक्स हो तो आप यहाँ पे डाल देते हैं दिस इज टेस्ट वन नोटिफिकेशन ठीक है उसके बाद आपको एक यहाँ पे इमेज डाल सकते हो नोटिफिकेशन के लिए तो वो अभी अपन बाद में डालेंगे उसके लिए वेट करते हैं और ने, नेम भी ऑप्शनल है इसको भी बाद में डालेंगे तो सबसे पहले पहले नेक्स्ट किया देन उसके बाद आपको ऐप सेलेक्ट करनी है तो ऐप यही अपन सेलेक्ट कर लेंगे यही आ रही है। उसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे देन उसके बाद इसको शेड्यूल कब के लिए करें तो इसको नेक्स्ट कर देंगे देन यहाँ पे आपको इसमें कुछ नहीं छेड़ना है इसमें आपको टोटली नेक्स्ट कर देना है यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शनल डेटा आ रहा है सो इसको अपन आगे देखेंगे तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि जो आपका साउंड है वो आए कि नहीं आए वो आप देख सकते हैं ऐसे तो मैं इसको इनेबल कर देता हूँ कि साउंड आए जब है ना जब भी नोटिफिकेशन के ऊपर मतलब आए तब उसके बाद उसको रिव्यू करूंगा और उससे पहले मैं ऐप को रन करूंगा मेरे इम्येटर के ऊपर ठीक है ऐप को मैं रन करूँगा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक अपनी एप्लीकेशन इमिलेटर के ऊपर रन होती है और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में लेके जाना पड़ेगा अदरवाइज नोटिफिकेशन रिसीव नहीं होगा है ना सो एक बार मेरा इम्येटर रन हो जाए सो मेरी ऐप मेरे इम्यलेटर के ऊपर लॉन्च हो चुकी है तो अब मैं क्या करूंगा बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले पहले तो एक बार के लिए इसको मिनिमाइज कर देता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए और इन दोनों को साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ ठीक है तो मैं यहाँ पे आता हूँ इन दोनों को साइड बाय साइड में ओपन कर लेता हूँ ताकि मेरे को प्रॉपरली यहाँ पे पता चलता रहे है so, सो ये मेरा एमुलेटर रहा और ये मेरा फायर का कंसोल रहा ठीक है एफ का तो मैं इसको पब्लिश करता हूँ सो so, मैंने पब्लिश किया थोड़ा सा मेरे को वेट करना पड़ेगा और उसके बाद इसको ये पब्लिश हो गया और ये मेरे स्टार्ट हो गया अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा मेरी बात को ध्यान से समझना पहली चीज मेरी एप्लीकेशन चालू है तो ये बैकग्राउंड के अंदर नहीं है तो इसलिए नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो पहली चीज़ तो क्या बनेगी मेरे को इसको बैकग्राउंड के अंदर लेके जाना है ठीक है इस मतलब इसको क्लोज कर देना दूसरी चीज़ मेरे को क्या करनी है इसमें यहाँ पे एक और चीज़ जो मेरे को करनी पड़ेगी वो चेक करनी पड़ेगी यहाँ पे आके इसकी ऐप इन्फो के अंदर मेरे को जाना पड़ेगा और ऐप इन्फो के अंदर मेरे को जाके इसमें चेक करना पड़ेगा कि इसकी नोटिफिकेशन की सेटिंग क्या है तो यहाँ पर बाई डिफॉल्ट ऑफ है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ये ऑफ क्यों है कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एमुलेटर लेटेस्ट एंड्रॉड के ऊपर और जो लेटेस्ट एंड्रॉइड का वर्जन है उसमें ऑफ मिल रही है मेरे को जो मेरा फोन है उसके अंदर ये ऑफ नहीं है तो जब मैं भी इस एप्लीकेशन को डेवलप कर रहा था तो मैंने भी प्रॉब्लम फेस करी कि नोटिफिकेशन जो था वो मेरे फोन के ऊपर तो आ रहा था लेकिन मेरे एमुलेटर के अंदर नहीं आ रहा था तो उसका रीजन ये है कि जो लेटेस्ट डिवाइस आ रहे हैं ना उनके अंदर जो नोटिफिकेशन है वो ऑफ आता है अब ऑफ आने का रीजन क्या है क्योंकि डिफॉल्ट इसके अंदर कोई नोटिफिकेशन चैनल अपने क्रिएट नहीं किया है सो तो इस वजह से यहाँ पे डिफॉल्ट ऑफ आता है तो एक बार जब इसको अपन ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो इसको एक बार ओपन कर देंगे देन उसके बाद जब नोटिफिकेशन सेंड करेंगे तब इसके अंदर नोटिफिकेशन चैनल बन जाएगा ऑटोमेटिकली एफ बना देगा लेकिन अभी नहीं शो करेगा उसका रीजन मैंने आपको बता दिया तो so, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है आप एक नोटिफिकेशन चैनल पहले से बना दो और उसको फिर एफ को दे दो एफ सी एम तो इस नोटिफिकेशन चैनल के ऊपर मेरा ये नोटिफिकेशन पब्लिश कराना तो उसको अपन आगे देखेंगे तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ उसके अंदर नोटिफिकेशन को ऑन कर देता हूँ ठीक है और इसको बैक कर देता हूँ और अब ऐप को मैं क्लोज कर देता हूँ ठीक है तो ऐप को मैं मैंने क्लोज कर दिया अब वापस यहाँ पे आऊँगा और एक बार यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाके वापस यहाँ पे आऊँगा तो देखूंगा कि मेरा नोटिफिकेशन कंप्लीटेड आ रहा है लेकिन नोटिफिकेशन मेरे पास आया नहीं यहाँ पे स्टेटस कंप्लीटेड है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया रीजन क्या रीजन वही जो मैंने आपको अभी बताया कि ये जो नोटिफिकेशन है मेरे को शो कब होता जब मैं यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन एक तो चालू होता और दूसरी चीज एप्लीकेशन जो थी वो मेरी बैकग्राउंड के अंदर होती तो अब क्या कर सकते हो तो अब क्या करेंगे इस नोटिफिकेशन को दोबारा सेंड करेंगे तो दोबारा सेंड करने के लिए आप या तो यहां पे क्लिक कर सकते हो तो वापस आपके सामने सेम स्क्रीन आ जाएगी ठीक है अब इस बार वापस नोटिफिकेशन सेंड करते हैं तो यहाँ पे आते हैं और यहां पे अपन करते हैं टेस्ट टू और यहाँ पे अपन कर देंगे दिस इज टेस्ट टू नोटिफिकेशन ठीक है और यहाँ पे इमेज अभी नहीं डालेंगे इमेज इसे नेक्स्ट ट्राई के अंदर डालेंगे ठीक है और वापस नेक्स्ट करेंगे इसको टारगेट के अंदर अपने अपनी ऐप सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट करेंगे शेड्यूल नाउ इसको भी कुछ नहीं छेड़ना पूरा बताऊंगा ना इसको नेक्स्ट कर देंगे इसको भी नेक्स्ट कर देंगे और ये आप चाहो तो ऑन कर सकते हो कि भाई साउंड आए जब भी नोटिफिकेशन पब्लिश हो तो अब मैंने रिव्यू किया और इसको पब्लिश किया और इस बार आप देखोगे कि मेरा नोटिफिकेशन मेरी ऐप के अंदर आएगा तो थोड़ा सा इसमें ऑब्वियस चीज़ टाइम लग जाएगा तो आपको इस बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होना कि मेरे को सेंड करते ही नोटिफिकेशन दिखेगा तो मेरे केस के अंदर अच्छी चीज है कि मेरे को ये पुराना नोटिफिकेशन दिख रहा है तो इसको मैं हटा देता हूँ और मेरा नए नोटिफिकेशन का मैं वेट करता हूँ ठीक है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक नोटिफिकेशन यहाँ पे आता है और ये एकदम हैंड टू हैंड नहीं होता है दो तीन मिनट के समय डिले होता है ठीक है सो स्टूडेंट्स अभी भी यहाँ पे एक इशू रह गया है जिसकी वजह से अपने नोटिफिकेशन नहीं शो हो रहा है तो वो ये है कि आपको यहाँ पे दो यूज़र परमिशन ऐड करनी पड़ेंगे ठीक है एक तो आपकी यूज़र परमिशन हो गई कि आपको इंटरनेट यूज़ करना और ये आपकी एक और ये यूज़र परमिशन है जो कि आपको ऐड करनी रहती है जो कि आपके सामने यहाँ पे है वेक लॉक को ठीक है तो आपको इसको भी यहाँ पे यूज़ करना होता है लेटेस्ट वर्जन के ऊपर अगर आप प्रीवियस वर्जन के ऊपर हो तब तो कोई इश्यू नहीं आपका काम करेगा जैसे मैंने बताया कि मेरे फोन पे भी ये काम कर रहा है ना लेकिन आपको अगर आप इमुलेटर के अंदर हो तो आपको ये और करना पड़ेगा तो अब को रन करते हैं एक बार ठीक है और ऐप रन हो चुकी है और ऐप को बैकग्राउंड में लेके जाते हैं अपन ठीक है और यहाँ से बैकग्राउंड से क्लोज कर देते हैं और पिछली बार मैंने यहाँ पे न्यू न्यू पे क्लिक करके आपको बताया था कि नया नोटिफिकेशन कैसे बनाते हैं इस बार अपन क्या करेंगे यहीं पे क्लिक कर रहे हैं और इसको डुप्लीकेट कर लेंगे तो सेम वैल्यूज़ के साथ ये डुप्लीकेट हो जाएगा लेकिन इस बार अपन क्या करेंगे यहाँ पे शेड्यूलिंग टाइम को आकर सिर्फ चेंज करेंगे शेड्यूलिंग टाइम को ओपन कर देंगे नाव ठीक है क्योंकि ये पहले का नोटिफिकेशन जो डुप्लीकेट होता है टाइम भी वो का वो लेगा ये इशू था यहाँ पे ठीक है तो नेक्स्ट किया नेक्स्ट किया और अब यहाँ पे साउंड को इनेबल किया और इसको रिव्यू करके पब्लिश कर दिया थोड़ा सा अपने को वेट करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नोटिफिकेशन यहाँ पे शो सा अपने को वेट कराता कर है ये सो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेटस भी कंप्लीटेड के अंदर आ चुका है और यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो आपको एक नोटिफिकेशन मेरे पास आ चुका है तो ये रहा वो नोटिफिकेशन मैं ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को मेरी जो डिफॉल्ट जो एक ब्राउज़र जो जो अपनी डिफॉल्ट जो लॉन्चर एक्टिविटी होती है वो ओपन हो जाती है यहाँ पे अपन इसको भी आगे जाके इसको भी चेंज करेंगे बट फिलहाल के लिए आपको इस चीज़ को समझना होता है ठीक है कि आपको यहाँ पे शो होगी तो मैं क्या करूँगा इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा ऐप को ठीक है और कुछ और चेंजेस करूँगा तो उसके लिए मैं पहले वाले जो नोटिफिकेशन है उन सबको मैं डिलीट कर दूँगा सो so, अब अपन क्या 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 करेंगे नया नोटिफिकेशन भेजेंगे विद द कस्टमाइजेशन ठीक है तो बस थोड़ा सा वेट करते हैं सो so, अब यहाँ पे वापस अपन क्रिएट योर फर्स्ट इस पे जाएंगे और इन ऐप नोटिफिकेशन को से, सेलेक्ट करेंगे ना सॉरी फायरविस नोटिफिकेशन को और इसको क्रिएट कर देंगे ठीक है अब यहाँ पे आगे टाइटल देंगे तो टाइटल देंगे दिस इज माय टेस्ट या फिर टेस्ट नोटिफिकेशन दे देते हैं ठीक है तो टेस्ट नोटिफिकेशन और इसमें जो इसका नोटिफिकेशन टेक्स्ट है ना वो अपन कर देंगे यहाँ पे दिस इज माई टेस्ट ऑफ नोटिफिकेशन ठीक है और यहाँ पे एक और चीज ओपन करेंगे इस बार इसमें इमेज भी डालेंगे तो यहाँ पे आपको खुद को तो प्रीव्यू दिखा रहा है ये कि, कि किस तरीके से आपकी इमेज शो करेगी है ना जो भी आप इमेज डालोगे उसको एक्सपेंड करोगे तो कुछ इस तरीके से शो करेगी ये एंड्रॉइड में कुछ इस तरीके से आईओस में कुछ इस तरीके से और वैसे इस तरीके से शो करेगी तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे इसके अंदर इमेज डालेंगे तो मैं गूगल पर जाता हूँ और सर्च करता हूँ नीट रूट्स और नीट टूट सर्च करने के बाद इमेजेस में जाऊंगा और जो नीट रूट्स का लोगो है इसको मैं कर दूंगा अब कॉपी इमेज एड्रेस ठीक है और कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद यहाँ पे इमेज के नोटिफिकेशन जो इमेज है ना उसके अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा मैं ठीक है सो so, यहाँ पे कुछ इशू है तो मैं एक काम करूंगा इस इमेज को न्यू टैब में ओपन कर लूंगा और ये जो नोटिफिकेशन है ना मतलब ये जो इमेज है इसको यहाँ से कॉपी करके अब इसको पेस्ट कर दूंगा मैं सम टाइम जो नोटिफिकेशन लिंक करना उसके साथ इशू आते हैं इसकी वजह से शो नहीं करता अपने को सो so, स्टूडेंट इमेजेस के लिए मैं यहाँ पे आके एंड्रॉइड सर्च कर दूंगा ठीक है तो एंड्रॉइड मैंने सर्च किया और एंड्रॉइड से रिगार्डिंग मेरे पास काफी सारी इमेजेस आएंगी तो मैं क्या करूँगा ये वाली इमेज है ना इसका मैं इमेज एड्रेस को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे आके ये जो इमेज का एड्रेस है ना इसके अंदर मैं इस इमेज के एड्रेस को पेस्ट कर दूंगा सो दर इज सम इशू एक काम करते हैं इस इमेज को न्यू टैब के अंदर ओपन करते हैं सो तो यहाँ पर मैंने ये इमेज सेलेक्ट करी और इस इमेज को मैंने यहाँ पर ओपन किया और यहाँ पे आके कॉपी इमेज एड्रेस किया और यहाँ पे मैंने इमेज का जो एड्रेस वाला बार था यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया तो नोटिफिकेशन के अंदर इमेज कुछ इस तरीके की शो होगी एंड्रॉड आईओएस और अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो कुछ इस तरीके से शो के तो ये यह यहाँ पे मैंने जो इमेज है वो भी लगा दी अब यहाँ पे इस नोटिफिकेशन का नाम भी मैं डाल सकता हूँ या अगेन यूजर को नहीं दिखेगा तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं टेस्ट वन ठीक है तो टेस्ट वन में नोटिफिकेशन का नाम दिया अब नेक्स्ट करूँगा तो अब यहाँ पे मेरे सामने टारगेट डिवाइस आ रही है तो मैं ऐसे टारगेट डिवाइस सेलेक्ट कर सकता हूँ तो अभी के लिए मैं इसको जो सिंपल रहने दूंगा और अब मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा नेक्स्ट करने के बाद मैं इसको शेड्यूल कर सकता हूँ कि ये कब जाए तो इसको मैं शेड्यूल कर सकता हूँ एक तो नाव के लिए कि अभी अभी के भी चले जाए एक मैं इसको फ्यूचर के लिए शेड्यूल कर सकता हूँ फ्यूचर में कभी ये जाए तो उसका मैं यहाँ पे जिस लो मैंने अट्ठाईस तारीख डाल दी उसके बाद इसका टाइम डाल सकता हूँ कि तो मैं किस टाइम पर यह जाए ठीक है तो मैं इंडिया से तो मेरे पास बाई डिफॉल्ट इंडिया का टाइम आ रहा है ठीक है ठीक है जी एम टी के साथ फाइव पॉइंट मतलब साढ़े पाँच घंटे प्लस करके और यहाँ पर मैं टाइम डाल सकता हूँ क्लॉक के ऊपर क्लिक करके मैं एग्जैक्ट टाइम डाल सकता हूँ किस टाइम के ऊपर ये ट्रिक हो सो अभी के लिए मैं इसको नाव कर लूँगा आप चाहो तो यहाँ से ये भी कर सकते हो कि डेली कि नोटिफिकेशन आपको डेली जाए ठीक है और वंस इन ए वीक जाए या फिर जो भी जाए आप यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर सकते हो ठीक है तो यहाँ से आप चाहो तो कस्टम भी डाल सकते हो कि आपको कब कब सेलेक्ट करना है भाई वीक में किस किस डे को जाए वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो सो so, अभी के लिए मैं क्या करूंगा इसको नाव करके इसको छोड़ दूंगा तो मैं ऐसे नाव करूंगा और इसको नेक्स्ट करूंगा अब यहाँ पे ये जो ये अपने काम का नहीं होता ये कुछ कॉन्वर्जेशन इवेंट्स होते हैं इनसे अपने को लेना देना नहीं होता है कि, कि किस टाइप का नोटिफिकेशन है किसी और टॉपिक के साथ इसको डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट करेंगे अब यहां पे आप डेटा डाल सकते हो तो डेटा अभी नहीं डाल रहे डेटा इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डालेंगे क्योंकि वहीं पर अपनी इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे कि डेटा किस तरीके से नोटिफिकेशन के अंदर डाला जाता है और कैसे यूज किया जाता है सब क्या करेंगे साउंड को इनेबल कर लेंगे और इसके बाद इसको रिव्यू करेंगे एंड देन इसके बाद इसको कर देंगे अपन पब्लिश तो इसको पब्लिश किया और अब यहाँ पे आते हैं और अपने को नोटिफिकेशन शो होना चाहिए इस बार विद इमेज ठीक है तो अपन अपन यहाँ पे आ जाते हैं और अपने इमलेटर को भी ओपन कर लेते हैं तो इस बार अपने को नोटिफिकेशन शो विद इमेज, विद इमेज शो होना चाहिए अपने को। सो so, एज़ आप सभी लोग देख सकते हो कि, कि पहले के जो अपने नोटिफिकेशन पेंडिंग थे वो अभी भी अपने पास आ रहा है तो नोटिफिकेशन जो होते हैं वो पेंडिंग इंटेंट के फॉर्मेट में चले जाते हैं तो अपने को बाद में रिसीव होते हैं ये नोटिफिकेशन सो so, इस चीज़ से आपको टेंशन नहीं लेनी कि आपको नोटिफिकेशन उसी टाइम पर क्यों नहीं रिसीव हुआ तो कुछ टाइम थोड़ा सा डिले होता है बेसिकली स्पेशली मिल्टर के अंदर बाकी आपको नोटिफिकेशन इसके शो हो जाते हैं तो आपको वेट करना पड़ता है यहाँ पर तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरे को मेरा नोटिफिकेशन शो हुआ है तो ये बाय डिफॉल्ट एक्सपेंडेड शो हुआ है और मैं अगर नॉन एक्सपेंडेड कर देता हूँ ना तो ये इस तरीके से शो होगा और फिर इसके बाद एक्सपेंड होने के बाद कुछ इस तरीके से शो होगा सो तो ये अपन ने देख लिया था वहाँ पर प्रिव्यू में अपने को दिखा दिया था कि किस तरीके से नोटिफिकेशन अपने को शो होगा और यहाँ पे ने रन करके भी देख लिया है सो ये अगेन आपके डिवाइस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको नोटिफिकेशन किस तरीके से शो होगा तो थोड़ा बहुत आपकी एप्लीकेशन के डिजाइन के ऊपर भी डिपेंड करता है ज़्यादातर तो आपको बता देता है कि कुछ इस तरीके का दिखेगा लेकिन एंड जो आपका डिसीजन होता है वो आपकी एप्लीकेशन लेवल पर यही अब एक काम करता हूँ इस पर क्लिक करके मैं को लॉन्च करता हूँ और अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं यहाँ पे जाऊँगा इसकी ऐप इन्फो के अंदर ठीक है तो ऐप इन्फो के अंदर मैं गया और अगर अगर मैं नोटिफिकेशन इसको ओपन करता हूँ ना तो देखो यहाँ पे एक मिशलेनियस नोटिफिकेशन का चैनल क्रिएट हो चुका है ये फायरबेस ने डिफॉल्ट क्रिएट किया है मतलब एफ सी एम ने डिफॉल्ट क्रिएट किया तो ये नोटिफिकेशन के लिए अपना नोटिफिकेशन चैनल उसको ही क्रिएट कर देता है सो so, अगर यूज़र इसको यहाँ से बंद कर देता है ठीक है तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं शो होंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अलग अलग वो सारी सारी सेटिंग्स है जो कि आपने पहले भी देखी थी कि यूज़र चाहे तो उसको यहाँ से चेंज कर सकता है कि ये रिंग करे अगर यूज़र ने इसको यहाँ से साइलेंट कर दिया फिर कुछ भी हो जाए कोई लेना देना नहीं है कि आप यहाँ से उसको वॉइस दो चाहे मत दो कोई लेना देना नहीं वो नहीं साउंड करेगा अगर डिफ़ॉल्ट पे तो अपन यहाँ से चेंज कर सकते हैं पॉपअप करवाने की नहीं करवाना वो अपन डाल सकते हैं भाई पॉपअप होकर मेरे को शो हो ठीक है वाइब्रेशन होना, है, होना नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वो अपन यहाँ से कर सकते हैं तो अब ज़्यादातर चीज़ें यूजर एंड पे दे दी यहाँ पे ठीक है तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे किस तरीके से अपन मैसेज के साथ डेटा सेंड कर सकते हैं ठीक है ये जैसे मान लो कि आपको कुछ डेटा अगर आपकी एप्लीकेशन के साथ सेंड करना है, तो वो आप कैसे करोगे इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ पर अपना नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करेंगे